हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर और मैं आ चुका हूं वापस आप सभी लोगों के साथ में एक नए जोश एक नई ऊर्जा और एक नए जुनून के साथ में और आज हम लोग बात करने वाले हैं जैसा कि आप सभी लोगों के साथ में मैं पहले से डिस्कस करते आ रहा था सी ई टी सेकेंड यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी के लिए जो सीई टी एग्जाम होने वाला है उसके अंदर साइंस का जो सिलेबस दे रखा था उसकी अपन बात कर रहे थे और आज हमारी क्लास नंबर है थर्टी फोर इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सिलेबस के अंदर दिए हुए टॉपिक केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है, है दोस्तों पहला टॉपिक जो दे रखा है आपके सिलेबस में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जिसको अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं उसके बाद में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ जो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के बारे में इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अपने बायोलॉजी और फिजिक्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर कुछ चीज़ें रही है जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह तो वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा अभी अपने मेजर केमिस्ट्री का पोर्शन रहा है उसको अपन करने वाले हैं कंप्लीट अब अपन बात कर चुके थे थोड़ी सी उत्प्रेरक के बारे में उसको अपन रिवाइज करेंगे और फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेसिकली उत्प्रेरक होते क्या हैं तो उत्प्रेरक होते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं क्या करते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होती है केमिकल रिएक्शंस जो होती है उनकी वेलोसिटी वेग को परिवर्तित कर देती है लेकिन जो उत्प्रेरक खुद है जो उत्प्रेरक है जो कैटलिस्ट है वो अपने अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाता है तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं क्या कहते हैं इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं समझ में आ गई बात जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था अपने पास में है के सी एल ओ थ्री क्या है के सी एल ओ थ्री इस के सी एल ओ थ्री की जब इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया जाता है यानी ताप दिया जाता है तो हम इसे कहते हैं तापीय अपघटन तो जब इसका तापीय अपघटन किया जाता है किसके प्रजेंस में एम एन ओ टू के प्रजेंस में एम एन ओ टू का मतलब क्या है मैग्नीज डाई ऑक्साइड क्या है मैग्नीज डाई ऑक्साइड तो जब अपन पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाई ऑक्साइड मिला करके तापीय य करवाते हैं मतलब टेम्परेचर देते हैं और उसको तोड़ते हैं टेम्परेचर देकर के तो बनता है टू के सी एल और थ्री ओ टू यानी कि ऑक्सीजन और क्या बन जाता है उसके साथ में दोस्तों अरे भाई क्या बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है ऐसे ही वनस्पति तेल की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में निकल के में करवाई जाती है तो घी यानी वनस्पति घी बनता है समझ में आ गई बात तो दोनों ही अभिक्रियाओं में यहां पर एम उत्प्रेरक है और यहां निकल जो होता है निकल एन वो होता है उत्प्रेरक समझ में आ गई बात फिर अपन ने बात करी थी आगे कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं इनके प्रकार कितने हैं तो उत्प्रेरकों को दो आधार पर एक उनकी अवस्था क्या है उसके आधार पर बांटा था और एक वो क्रिया किस प्रकार की करेंगे उसके आधार पर बांटा था अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के दो भाग थे समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक क्रिया के आधार पर भी दो उत्प्रेर, सॉरी चार उत्प्रेरक थे जैव उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक समझ में आ गई बात तो ये थे उत्प्रेरकों के प्रकार अब अपन इन उत्प्रेरकों के एक एक प्रकार की बात करेंगे तो अब अपने बात करेंगे अवस्था के आधार पर जो उत्प्रेरक के प्रकार हैं समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक उनकी तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे समांगी उत्प्रेरक क्या डालेंगे हेडिंग समांगी उत्प्रेरक ठीक है और किसकी बात करेंगे समांगी उत्प्रेरक के बारे में अपन बात करेंगे कि आखिर ये समांगी उत्प्रेरक होते क्या है तो बेसिकली समांगी उत्प्रेरक का मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर उपस्थित उत्प्रेरक उसके अभिकारक यानी रिएजेंट और उसके उत्पाद यानी कि उस रिएजेंट की रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी जब रिएक्शन हो गई उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना उत्पाद बना वो तीनों यानी कि आपके रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट और उसके अंदर उपस्थित उत्प्रेरक कैटलिस्ट जब तीनों की भौतिक अवस्था यानी फिजिकल स्टेट सेम होती है तो उसे कहा जाता है क्या दोस्तों उत्प्रेरक है वो कैसा है समांगी उत्प्रेरक है और ऐसी क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं ठीक है ठीके? तो आप इसे नोट डाउन करेंगे समांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट अभिकारक एवं उत्पाद तीनों सम्मान भौतिक अवस्था तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है समांगी उत्प्रेरक कहलाता है ठीक है और इस क्रिया को इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं समझ में आ गई बात चलो और इसके लिखेंगे अपन उदाहरण क्या लिखेंगे उदाहरण लिखेंगे तो इसके उदाहरण आप लिखिए सबसे पहले सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा इसका क्या दोस्तों तो जब आप सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के प्रजेंस में करवाते हो और ऑक्सीजन खुद एक गैस है और इसमें कैटलिस्ट आप यूज करते हो क्या अरे इसमें आप कैटलिस्ट क्या यूज करते हो तो आप नाइट्रस ऑक्साइड यानी एनओ जो कि खुद एक गैस है तो बन जाता है क्या टू एस ओ थ्री ये भी एक गैस है यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड एनओ के प्रजेंस में रिएक्शन करेगा तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता है यानी टू एस ओ टू जब रिएक्शन करेगा ओ टू के साथ में एनओ NO के प्रजेंस में तो एस ओ थ्री बन जाता है ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल आप सभी लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर और दूसरा एग्जाम्पल आ जाता है सी एच थ्री सी डबल ओ एच कि मैथिल सॉरी यहाँ पर और लिखना है भी सी एच थ्री और आ जाएगा तो सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री ये है आपका लिक्विड और इसे कहते हैं अपन इनका नाम भी याद रखें हो सकता है नाम भी कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है तो मैथिल एसीटेट क्या है ये मैथिल एसीटेट सी एच थ्री सी डबल ओ सी एच थ्री जब इसकी रिएक्शन जल यानी एच टू ओ और एच टू ओ तो लिक्विड ही होता है तो ये लिक्विड किसके प्रजेंस में तो ये HCl, सी एल यानी कि किसके हाइड्रोजन क्लोराइड ये एक अम्ल है वो किस फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में यानी लिक्विड ही हुआ तो क्या बन जाता है तो बन जाता है आपका सी एच थ्री सी डबल ओ एच जिसे आप एसिटिक एसिड कहते हो और एसिटिक एसिड एक्वस फॉर्म में ही होता है यानी लिक्विड फॉर्म ही है इसके साथ में और क्या प्रोडक्ट बनेगा तो मैथिल एल्कोहल बन जाता है यानी सी एच थ्री ओ एच समझ में आ गई बात ये भी किसमें है एक्वस फॉर्म में तो मेथिल एसिटेट की रिएक्शन जब वॉटर यानी जल से हुई जो कि एक लिक्विड है किसके प्रजेंट में एच के प्रजेंट में जो कि आपका एच क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक अम्ल है इसके प्रजेंट्स में जैसे हुई तो सी एच थ्री सी एच एक्वस प्लस सी एच थ्री ओ एच मैथिल एल्कोहल बन गया समझ में आ गई बात तो ये दो एग्जाम्पल थे आपके समांगी उत्प्रेरक के ठीक है और समांगी उत्प्रेरण क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली इसकी कंडीशन क्या है तो उत्प्रेरक उत्पाद और अभिकारक तीनों के तीनों की भौतिक अवस्था समान होगी ठीक है तो जब आपको समांगी आपके उत्प्रेरक में ये कहा जा रहा है कि उत्प्रेरक उत्पाद अभिकारक और उत्प्रेरक तीनों की समान अवस्था होनी चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको इतना तो कॉमन सेंस से भी अंडरस्टैंड हो गया होगा कि विषमांगी मीज जो उत्प्रेरक होगा विषमांगी उत्प्रेरक के अंदर क्या हो जाएगा तो तीनों अवस्थाओं में समानता नहीं होगी वो तीनों क्या होगी भिन्न भिन्न होगी समझ में आ गई बात तो बिल्कुल सही है भिन्न भिन्न भिन अगर है तो आप उसे कहोगे विषमांगी मिश्रण तो अब आप अपनी हेडिंग डालिए बी पॉइंट विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरक ठीक है इंग्लिश में अगर कोई जानना चाहे तो लिख सकता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और विषमांगी को लिखेगा हेड्रोजीनियस कैटेलिस्ट ठीक है चलो डेफिनेशन लिखेंगे जब जब रासायनिक अभिक्रियाओं जब रासायनिक अभिक्रियाओं मैं अभिकारक अभिकारक एवं उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न भिन्न-भिन्न होती है, होती है तो उत्प्रेरक को ंगी विष उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक कहते हैं क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं आगे लिखेंगे इस क्रिया को इस क्रिया को विष उत्प्रेरण इस क्रिया को विष उत्प्रेरण कहते हैं समझ में आ गई बात अब आप इसका उदाहरण लिखेंगे क्या लिखेंगे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स तो उदाहरण के अंदर पहला विस्मांगी उत्प्रेरक का उदाहरण आ जाता है जो अपन पहले ही लिख चुके हैं वनस्पति वनस्पति तेल वनस्पति तेल है ऑयल है तो ऑब्वियस ही बात है लिक्विड होगा और इसकी रिएक्शन जब होती है एच टू गैस के साथ में यानी हाइड्रोजन के साथ में किसके प्रजेंट्स में तो निकल के प्रजेंट्स में और निकल क्या होता है सॉलिड होता है क्योंकि ये तो एक मेटल है धातु है तो बनता क्या है तो बनता है वनस्पति घी क्या बनता है वनस्पति घी और घी जो होता है उसे आप सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि जब वो सर्दी के अंदर है पूरा मतलब पड़े पड़े थना जाता है थन जाता है ठीक है जम जाता है मतलब तो उसे कहते हैं सॉलिड और जब उसे गर्म करोगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो ये एग्जाम्पल हो गया दूसरा आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो जब आप नाइट्रोजन जो कि एक गैस है इसकी अभी गिरया करवाते हो हाइड्रोजन के साथ में ये भी एक क्या है गैस है किसके प्रजेंस में तो किसके प्रजेंस में दोस्तों आपके आयरन एफ ई के प्रजेंस में जब इसकी रिएक्शन होती है किसकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आयरन यानी एफ़ ई के प्रजेंस में जब रिएक्शन होती है तो बनता है अमोनिया टू एन एच थ्री और जो कि एक क्या होती है ये एक गैस है समझ में आ गई बात क्लियर हुआ आप लोगों के लिए तो विषमांगी मिश्र आ, उत्प्रेरक और समांगी उत्प्रेरक विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण भी होते हैं उसमें भी यही होता है कि मिलाए हुए जब आपके पदार्थ है वो सेम अवस्था के थे तो वो समांगी है, और जब अलग अलग थे तो विषमांगी इस प्रकार से होता है तो समांगी उत्प्रेरक का मतलब है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक और उत्पाद तीनों सम्मान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है और इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं इसके दो एग्जाम्पल भी अपन ने देखे फिर अपन ने बात करी विषमांगी उत्प्रेरक की जब आपके अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो विस्मांगी उत्प्रेरक कहलाता है और इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं और दो उदाहरण अपन ने इसके भी देख लिए समझ में आ गई बात और आपको इतना तो पता ही होगा कि किसमें कौन सा जो है आपके उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है मैं उनको वाइट गोले में कर देता हूँ ये जो निकल है यह आपका उत्प्रेरक है यहाँ इस अभिक्रिया में ये एफ ई जो है आपका ये उत्प्रेरक है बेसिकली एरो के ऊपर ही उत्प्रेरकों को जनरली तो लिखा जाता है कई बार क्या होता है रिएक्शन के साथ भी लिख देते हैं तो ये जो हमारा एन NO ओ है ये हमारा उत्प्रेरक है ठीक है फिर ये जो हमारा एस सी एल है ये भी एक आपका उत्प्रेरक है समझ में आ गई बात क्लियर है अब कौन सा पदार्थ कौन सी रिएक्शन में उत्प्रेरक होगा ये तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या तो करना पड़ेगा बैठे बैठे केमिस्ट्री में या फिर आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा तो जितनी रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूँ उतनी याद रख लो आपके लिए सफिशियंट है ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकारों की किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता जीवन में बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता हमें अपने हिस्से की चीज़ें छिननी पड़ती है हमें अपने हिस्से की चीज़ें छिननी पड़ती है बिना चले और बिना लड़े न तो जीवन जिया जा सकता है और न जीता जा सकता है इस बात को हमेशा याद रखना कि जीवन के अंदर दोस्तों कोई भी चीज़ आपको बैठे बैठे आराम से अगर मिल जाए तो उस चीज़ का फिर आपको जो है इन्जॉय भी नहीं होगा आपको खुशी भी नहीं होगी और जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और उसके बाद वो चीज़ आपको अगर हासिल होती है तो आपको एक अद्भुत खुशी मिलती है और आपका पूरा परिवार उस चीज़ से बहुत खुश होता है जैसे कि अगर आप अभी ये सी एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो इसको क्वालिफ़ाई करोगे उसके बाद में आप जब मेन एग्ज़ाम की परीक्षा दोगे और उसको क्वालिफाई करोगे तो आपके घर वालों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होगा क्योंकि आपने उस चीज़ को क्या करा हासिल करा लेकिन एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद में ठीक है तो आपको हमेशा मेहनत करनी है क्योंकि बिना किसी मेहनत के कोई चीज़ इस दुनिया में हासिल नहीं होती है चलिए बात करते हैं क्रिया के आधार पर जो उत्प्रेरकों के मैंने चार प्रकार बताए थे उनकी और उनके अंदर सबसे पहले बात आ जाती है धनात्मक उत्प्रेरक की तो आप लिखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक किसकी बात करेंगे धनात्मक उत्प्रेरक यानी पॉजिटिव कैटेलिस्ट के बारे में अपन बात करेंगे पॉजिटिव कैटेलिस्ट का बेसिकली मतलब केवल इतना है कि रासायनिक अभिक्रिया के अगर वेग को बढ़ा दे तो उत्प्रेरक क्या हो गया धनात्मक हो गया बस ये बात याद रखनी है आगे अपन पढ़ेंगे कि अगर उसने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा तो आप लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन के वेग को वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं समझ में आ गई बात आप इसके अब डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर और कुछ भी है ही नहीं तो इसके उदाहरण उदाहरण में आप पहला लिखेंगे जैसे कि अपन ने पीछे देखा पोटेशियम क्लोरेड के सी एल ओ थ्री जब इसकी रिएक्शन ये के सी एल है ठीक है ये थोड़ा सा इधर ये है के सी एल ओ थ्री और इसकी रिएक्शन किसके प्रजेंस में तो मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी एम एन ओ टू के प्रजेंस में जब तापीय अपघटन किया जाता है तो बनता है टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू ठीक है ऐसे ही दूसरी आ जाती है आपके क्या तो सल्फर डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड की जब ऑक्सीजन के साथ में होती है नाइट्रस ऑक्साइड एनओ के प्रजेंस में तो बनता है टू एस ओ थ्री समझ में आ गई बात तो ये है धनात्मक उत्प्रेरक कौन कौन ये जो आपके है ना मैग्नीज़ डाइऑक्साइड और एन ओ ये दोनों क्या है ये दोनों पॉजिटिव कैटलिस्ट है यानी कि धनात्मक उत्प्रेरक है क्योंकि इन उत्प्रेरकों की वजह से ये जो अपन ने दो एग्जाम्पल देखे दो रिएक्शन देखी है इनकी वेग में बढ़ोतरी होती है इनका वेग बढ़ जाता है समझ में आ गई बात चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है दूसरा जो अपना कैटलिस्ट है वो है ऋणात्मक क्या है ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी नेगेटिव उत्प्रेरक नेगेटिव कैटलिस्ट के, के बारे में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा ये क्या करेगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के वेग को रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक ऋणात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं ठीक है इसके उदाहरण देखते हैं अपन तो आप लिखेंगे उदाहरण तो पहला उदाहरण है आपके लिए इसके अंदर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 एच टू ओ टू इसे कहा जाता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपको केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल्स यहाँ यूज हो रहे हैं उनके मैं रासायनिक नाम भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ तो आप उनके नाम जरूर लिखें जैसे H2O2 टू ओ टू है तो मैंने बोला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड तो आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लें क्योंकि मुझे तो याद है कि H2O2 टू ओ टू को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं इसका सेप कैसा होता है लेकिन जब आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मतलब ही एच टू ओ टू है समझ में आ गई बात जब अपने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है ग्लिसरॉल के प्रजेंट में किसके प्रजेंट में ग्लिसरॉल के प्रजेंट में तो आप लिखेंगे ग्लिसरॉल तो जब अपने हाइड्रोजन पर की रिएक्शन के में में होती है है तो बनता है 2H2O O2. समझ में आ गई बात तो ग्लिसरॉल की उपस्थिति के अंदर जब अपन एच टू ओ टू का क्या करवा रहे हैं गठन करवा रहे हैं यानी एच टू ओ टू को तोड़ रहे हैं दो या दो से अधिक भागों के अंदर तो जब इसे तोड़ा जाता है तो जब ग्रिस्ट्रॉल है उत्प्रेरक के रूप में होता है लेकिन यह क्या करता है ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है यह क्या करता है वेग को बढ़ाता नहीं है यह वेग को कम कर देता है समझ में आ गई बात क्लियर है तो यह इसका एग्जाम्पल हुआ दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अपने पास में है सपोज करिए क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का मतलब है सी एच सी एल थ्री ठीक है जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन यानी O2 के प्रजेंट में किसके तो कौन है यहाँ पर आपका देखिए आपका जो एथेनॉल होता है दोस्तों क्या एथेनॉल एथेनॉल यानी सी टू एच फाइव ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच ये एथेनॉल जो है ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है और इसे कन्वर्ट करता है टू सी ओ सी एल टू प्लस टू एच सी एल तो सी ओ सी एल टू जो है इसे अपन कहते हैं फॉसजिन ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर काम आएगा तो ये जो फॉसजीन है यानी सी ओ सी एल टू ये कब बनता है तो क्लोरोफॉम यानी सी एच सी एल थ्री की ऑक्सीजन के प्रजेंट में जब एथेनॉल उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है और अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक विशैली गैस हमें मिलती है वो है ये फॉसजीन तो ये फॉस्टिन है ये क्या होती है ये एक पॉइजन गैस है यानी विशैली गैस है आप लिख सकते हैं विशैली गैस समझ में आ गई बात तो जब अपने सी ओ सी एल टू यानी फॉस्जिन जो कि एक विशेली गैस है वो बनती है और साथ में बनता है एस सी एल समझ में आ गई बात तो आपको भी अपनी लाइफ के अंदर हमेशा पॉजिटिव कैटलिस्ट को ही यूज करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे भूलने का प्रयास करें और उससे दूर रहें ये नहीं सोचते रहें बार बार कि अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा है या हम जब एक एग्जाम से पीछे पिछड़ते हैं ना तो हमें बहुत टेंशन लेते हैं ये हो गया वो हो गया आप क्या करूँगा अरे आपके पास में बहुत 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 चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए समझ में आ गई बात जैसे कि अपने पास में ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं ऐसे ही अपनी लाइफ के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट आते हैं तो जिस थॉट को आप ज़्यादा आगे लेके जाओगे पॉजिटिव थॉट को लेके जाओगे तो आपके काम करने की वेग क्या होगा बढ़ेगा आपकी वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज होगी और अगर आप नेगेटिव थॉट्स को आगे लेकर आओगे तो आपके काम करने की क्षमता कम होगी आपके याद करने की क्षमता कम होगी आपके एग्जाम क्वालिफाई करने की क्षमता कम होगी तो हमें ज़िंदगी में हमेशा किस चीज़ को फॉलो करना है हमें ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव कैटेलिस्ट को फॉलो करना है यानी धनात्मक उत्प्रेरक को यूज करना है समझ में आ गई बात क्लियर है चलिए दोस्तों तो आज का सेशन अपने इसी बात के साथ में समाप्त करेंगे कि आज अपन ने उत्प्रेरक के चार प्रकारों की बात कर ली है समांगी विषमांगी धनात्मक ऋणात्मक अब आगे के जो दो बचे जैव उत्प्रेरक और स्वतः उत्प्रेरक और उत्प्रेरकों के गुण उनके बारे में अपन कल लास्ट क्लास के अंदर बात करेंगे और 35 क्लासों के साथ में अपन केमिस्ट्री के एक टॉपिक को भी पूरा कर चुके होंगे फिर अपने दो टॉपिक और रहेंगे उन्हें भी अपन बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है मैथ्स की क्लास देखना भी आप बिल्कुल नहीं भूलें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत लव यू ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स बाय बाय दोस्तों